पिछले लगभग 5 साल से भागसुनाग मंदिर का निर्माण कार्य लटकने के चलते स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति रोष पनपने लगा है। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य अवार्ड हुए भी 1 साल बीत चुका है, लेकिन निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है। लोगों ने ये भी कहा कि जिस गति से काम किया जा रहा है उससे तो इसे पूरा होने में 1 दशक लग जाएगा। हालांकि प्रशासन ने माना है कि इसमें लग रहा है, क्योंकि मंदिर का निर्माण पारंपरिक हिमाचली शैली में किया जा रहा है और कारीगरों की कमी के चलते कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। लेकिन प्रशासन ने ये भी कहा है कि हमारा प्रयास है कि कार्य सीघ्र रफ्तार पकड़े और यहाँ भव्य मंदिर तैयार हो। निर्माण कार्य लटकने से मायूस स्थानीय लोगों ने बैठक कर इस बारे में विचार विमर्श किया, जिसमें नगर निगम के डिप्टी मेयर ओमकार नेहरिया, राजेश नेहरिया, सुनील संधू, तेज सिंह नेहरिया, मंजीत शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नगर निगम के डिप्टी मेयर ओमकार नेहरिया ने कहा कि भागसुनाग मंदिर का चंदा 1.5 लाख रुपए से अधिक है। मंदिर को उखाड़े हुए 5 साल हो चुके हैं, जबकि निर्माण कार्य लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य आवंटित हुए भी 1 साल हो गया है और अभी तक 2 रद्दे ही लग पाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन बताए कि मंदिर निर्माण में इतना समय क्यों लग रहा है, जिस गति से काम किया जा रहा है उससे तो काम पूरा होने में 10 साल बीत जाएंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर के निर्माण कार्य की रफ्तार बढ़ाई जाए और भव्य मंदिर को शीघ्र तैयार किया जाए। आज जो हम भागसुनाग के निवासी इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज 5 साल हो गए हैं मंदिर उखाड़े हुए और सबके पूरे हमारे भागसुनाग के जो निवासी है उनके रोष है कि ये जो मंदिर का निर्माण है अगर करना नहीं था तो उखाड़ना क्यों था। 2.5 साल सरकार कांग्रेस की थी उस टाइम उखाड़ा है, जितना भी यहाँ सामान था, जित लकड़ी थी, पुरानी लकड़ी थी, वो सब उखाड़ के ले गए। 2.5 साल हिमाचल में हमारी सरकार बीजेपी की होगी है, उन्होंने भी कोई इतना काम नहीं किया है। आज एक टेंडर हुए, आज 1 साल 6 महीने हो गए टेंडर हुए और उस 1 साल 6 महीने में सिर्फ 2 रदे लगे हैं और हमारी जो सोच है कि अगर बनाना नहीं था वो उखाड़ना क्यों है। और मंदिर की जो इनकम है वो 1 साल की 12 लाख 15 लाख से ऊपर इनकम है। आज तक मंदिर का एक पैसा इस स्थान पे नहीं लगा है। ये जितना भी पैसा लगा है पहले माननीय चंद्रेश कुमारी के टाइम पे लगा है और उसके बाद में ADP ने लगाया हुआ है और ये जो स्विमिंग पूल बनाया ये लोकल आदमियों ने हमने सब ने मिल के बनाया हुआ है। अगर एक भी मेरे को यहाँ काम हमारी धर्मशाला के SDM या DC के उससे लगा हो तो आप हमारे को दिखा सकते हैं कि हम आपको को एक भी काम नहीं हुआ आज तक। और हम चाहते हैं सब गांववासी की हम मंदिर हमारा है, जगह हमारे लोगों ने दी हुई है और गवर्नमेंट के अंडर मंदिर है और गवर्नमेंट के मंदिर अंडर होने के बाद इस मंदिर की ये हालत है कि आज इस मंदिर को 5 साल हो गए। 5 साल ये एक बहुत बड़ा आस्था होता है और अगर हम लोगों ने अगर लोकल आदमी ने बनाना होता तो 5 महीने में हमने ये मंदिर तैयार कर देना था। और हम चाहते हैं कि इस मंदिर का जल्दी से जल्दी निर्माण हो और जो भी प्रक्रिया है इसकी अपने ठेकेदारी की या PWD को उन्होंने दिया है उसको जल्दी करके बनाए, नहीं तो हम दूसरा रास्ता भी अब अपनाएंगे। देखो जी, आज हमारी जो आपस में बैठक हुई है उसमें हमारा एक ही निर्णय लिया है, ये काम जो युद्ध स्तर पे होना चाहिए और 6 महीने में पूरा मंदिर तैयार होना चाहिए। अगर ये 6 महीने के अंदर अंदर तैयार, अब 2 बार हम टाइम दे चुके हैं SDM साहब को कि ये मंदिर जो है 6 महीने 6 महीने के, अब फिर हमने जो आज बैठक में हमने जो फैसला लिया है कि 6 महीने में ये पूरा मंदिर जो है ये तैयार होना चाहिए। और उन्होंने ठीक है, वो उन्होंने सीधा एक टेंडर कर दिया है और पत्थर वो पता नहीं कहाँ से ला रहा और आज इस 2 रदे लगाने के लिए 6 महीने लग गए हैं। तो आगे अगर 6 रदे लगाने हैं तो 6 महीने और लग जाएंगे, तो सरकार को थोड़ा सा देखना चाहिए और जो मंदिर के हमारे इंचार्ज है उनको देखना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर मंदिर के जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाए गए हुए हैं मेंबर्स, उनको भी मेरी तरफ से आपकी माध्यम से आज मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दें। सिर्फ पैसे गिनने के लिए नहीं हो कि पैसे गिने और वापस चले जाएं, इसका जो मंदिर की जो पूरी अपनी सुविधा और उसका जो निर्माण है अच्छे तरीके से होना चाहिए। प्रशासन को ठेकेदार को हमने क्या लेना, हम तो प्रशासन को पूछेंगे कि प्रशासन इसके ऊपर क्यों नहीं देख रहा है। ठेकेदार तो कोई भी 100 ठेकेदार है धर्मशाला में, PWD का कोई भी ठेका ले सकता है, लेकिन देखना किसने, प्रशासन ने देखना, ये सब प्रशासन की गलती है। DC कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि 5 साल से भागसुनाग मंदिर का काम ठप पड़ा हुआ था। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद के साथ भी मैंने उस स्थान का दौरा किया था। लोगों की डिमांड थी कि भागसुनाग मंदिर को पारंपरिक हिमाचली शैली में बनाया जाए। इसके उपरांत राशि स्वीकृति की गई, टेंडर हुआ, लेकिन कार्य जटिल है जिससे ये कार्य अवार्ड हुआ था
इसके कारीगर किन्नौर से हैं। मुख्य मंदिर और समाधि स्थल का कार्य पुराने पारंपरिक तरीके से हो रहा है। हालांकि धीमा है, हमारा प्रयास है कि इसे रफ्तार दी जाए। पिछले 6 माह से वहां जो परिणाम सामने आए हैं, ADB के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं तथा नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। DC ने कहा कि प्रयास है कि ज्यादा कारीगर आए, जबकि पारंपरिक शैली में काम करने वालों की कमी रहती है। अन्य मंदिरों में कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जिस वजह से इसमें लग रहा है। आने वाले समय में भागसुनाग के लिए और भी प्लान है, हमारा प्रयास है कि उन्हें भी लागू करें। हम भव्य मंदिर बनाने की ओर अग्रसर हैं। पहला चरण पूरा होने पर अगले कार्य शुरू किए जाएंगे। उनका बिल्कुल मानना सही है। पिछले 5 सालों से ये काम ठप पड़ा हुआ था, और इनफैक्ट 6 महीना पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम भी माननीय जो हमारे स्थानीय सांसद हैं उनके साथ भी मैंने उस प्लेस का दौरा किया था। लोगों की ये डिमांड थी कि बाकी मंदिरों में तो हम कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन भागसुनाथ जो टेंपल है उसको पारंपरिक स्टाइल में बनाया जाए, और जो पुरानी शैली है, जो हमारी अपर हिमाचल की शैली है, उस शैली में उसको बनाया जाए, ऐसा कई सालों से डिमांड पड़ी हुई थी और इसी वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा था। लेकिन हमारे विजिट के तुरंत उपरांत पैसे सैंक्शन किए गए, PWD को पैसे दिए गए, उसके उपरांत टेंडर हुआ। और चूंकि कार्य इतना जटिल है, और जो इसमें जिसको टेंडर अवार्ड हुआ था, जो कारीगर हैं वो किन्नौर से आते हैं, ऊपर की शैली में काम करना है। आपने जो वहाँ पर मुख्य मंदिर देखा होगा, और साथ ही साथ वहाँ पर एक समाधि स्थल है, उसका जो कार्य है वो पुराने पारंपरिक तरीकों से हो रहा है, इसलिए काम जरूर स्लो है। हमारी पूरी कोशिश है उसको तेज किया जाए, लेकिन पिछले 6 महीने में जितने भी परिणाम आए, चाहे ADB के प्रोजेक्ट्स वहाँ कंप्लीट हुए हों, चाहे ये जो नए प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए हैं, परिणाम काफ़ी अच्छे हैं। स्लो है, ये हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कारीगर आएँ, और क्योंकि आपको पता ही है जो पारंपरिक शैली में जो काम होता है उसके कारीगरों की हमारे पास भी कमी रहती है। यही वजह है कि जिन टेम्पल्स में इस प्रकार का कार्य हो रहा है, आवश्यकता से जो हमारा जो एक नॉर्मल एक मंदिर में काम को देखने का तरीका है वो बड़ा फास्ट है, क्योंकि हम कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो समय लग रहा है। उनकी बात बिल्कुल वाजिब है, हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए।